गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कल के लिए माफी। कल आपका लेक्चर आपको डिलीवर नहीं हो पाया, थोड़े गूगल के साथ इश्यूज थे। दो बार फाइल अपलोड करने की कोशिश की लेकिन आधे तक जाके रुक गए। कोई बात नहीं, आज का लेक्चर दोनों दिनों की कसर निकालता है। वी आर हैविंग अ कंबाइंड लेक्चर टुडे, जिसके अंदर मैं दोनों टॉपिक्स कवर करूंगा और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का आपका टॉपिक खत्म करवा दिया जाए। ये मत समझिए कि टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह से टॉपिक तब खत्म होता है जब क्लासरूम में आप मुझसे डाउट पूछ लेते हैं बेटा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली COVID-19 के चलते आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, आप अपने घरों पे इस वीडियो को देख रहे हैं। सो आप अच्छे से स्टडी कीजिए बेटा, वंस वी मीट इन द क्लासरूम वहां पर हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये टॉपिक 3 बार और चलने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आराम से सीखिए, मजे से सीखिए। और जो भी आपके डाउट्स हो, आप सब लोग इसका प्रोसेस जानते हैं। लास्ट लेक्चर में आप सब लोगों को आंसर की भी मैंने पोस्ट की थी, तो आप अगर डाउट्स रेज करेंगे बट आई विल डेफिनेटली गेट आंसर्स फॉर इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉन्वर्जेशन करवाए थे जो डायलॉग फॉर्म में थे। आज एक कदम और आगे बढ़ते हुए रिपोर्टेड स्पीच का आपका शुरू होने जा रहा है बेटा, लेवल 4। Now, लेवल 4 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी लेवल 4 के एग्जाम्पल्स हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एग्जाम में लेवल 3 और लेवल 4 के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी भी लेवल 1 लेवल 2 नहीं आता। लेकिन ये बात याद रखिएगा, बिल्डिंग बनाने से पहले पिलर्स खड़े करने पड़ते हैं, बेस बनाना पड़ता है। उसी तरह से अगर लेवल 1 और लेवल 2 नहीं सीखेंगे तो कभी भी लेवल 3 और लेवल 4 पे पहुंच नहीं पाएंगे। मेरा एक पर्सनल सजेशन, जब भी आप रिवाइज करें इस टॉपिक को, लेवल 1 और लेवल 2 को पक्का रिवाइज करिए, ताकि आपको लेवल 3 और लेवल 4 में प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए लेवल 4 का आज आपको मैं एग्जांपल्स करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ बेटा, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत कुछ यूनिक आपको देखने को मिलेगा। अभी आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, ध्यान से सुनिएगा कॉन्वर्सेशन को। When Sudha opened the door, she saw that Karan was standing outside. She asked Karan, "What are you doing here?" Karan replied, "I have come to collect my books. I have kept them on the table. Take them and leave," said Sudha. अब ये आपको लग रहा होगा, my God, कितना difficult conversation है, कैसे solve होगा? यकीन मानिए, ये बहुत ही इजी और आसान कॉन्वर्सेशन है। एक चीज अगर आप पकड़ के चलते हैं, ध्यान से सोच के चलते हैं ना बेटा, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है। अगर आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करेंगे, ग्रामर में आपको कभी कोई हरा ही नहीं सकता बेटा।
हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है, दूसरा मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो टॉपिक आपको मैंने शुरू कराया उसके अंदर मैंने आपको एक बहुत गजब की टेक्निक सिखाई थी। क्या फर्क होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में मैडम? डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होती है, उसे हमें इन्वर्टेड कॉमास में से बाहर निकालना होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करना होता है। मतलब आपको उतना ही हिस्सा सॉल्व करना है जो इन्वर्टेड कॉमास में है। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वो ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच में है, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहीं पर आपका आज का टॉपिक मजा करेगा, ध्यान से देखिए। When Sudha opened the door, she saw that Karan was standing outside. अब ये टॉपिक का जो हिस्सा है ये एज इट इज कॉपी करेंगे हम। रीजन भी ना ये इनवर्टेड कॉमास में है ना ये हमें फर्क देता है। याद रखना हमें सिर्फ उतना ही हिस्सा सॉल्व करना होता है जो इनवर्टेड कॉमास में है, बाकी एज इट इज रख देंगे। तो हम पूरा टॉपिक यहां से शुरू करते हैं। When Sudha opened the door, she saw that Karan was standing outside. ओके तो यहां तक तो सेम चला गया, आगे वाला हिस्से में आपको पूरी आजादी और समझ मिली हुई है। शी आस्ट करण, अब यहां पे देख लीजिए हम वापस उन्हीं चीजों पे आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बेटा, सेंटेंस जनरल क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक है, सीधी सीधी बात है WH सीरीज का स्पेसिफिक है, तो ना यहां पे दैट यूज होगा ना यहां पे इफ यूज होगा, वही का वही वर्ड वापस आ जाएगा। वॉट He was doing there. देख लीजिए बेटा, आप सॉल्व वही कर रहे हैं जो आप पहले सीख चुके हैं, बस तरीका थोड़ा बदल रहा है। अब करण ने रिप्लाई किया, ओके टू दिस करण रिप्लाइड दैट I have come to collect my books. Okay, so he Karan ladka hai so this is he have ka past tense beta had he had come to collect his books. ठीक है बेटा, तो सुधा ने सवाल किया भाई क्यों आए हो, what are you doing here? तो करण ने reply दिया कि वो अपने books लेने आए। अब ये वाला आंसर जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये सुधा ने बोला है। ओके देन सुधा टोल्ड करण दैट, अब यहां पे आए है ये सुधा के लिए यूज हुआ है। ओके दैट शी हैड कैप्ट them on the table and told him to take them and leave. तो यहां पे आपका आंसर आपके लिए तैयार हो गया। पहली चीज हमने जो आज सीखी, जो चीज इनवर्टेड कॉमास में नहीं है उसको कभी सॉल्व नहीं करना, वो सीधा का सीधा हमने कॉपी कर दिया। दूसरी चीज क्या सीखी, टॉपिक इतना मुश्किल होता नहीं है जितना वो दिखता है। अब यहां पे देखिए बेसिक कॉन्वर्सेशन है तीन डायलॉग्स का, एक डायलॉग है सुधा का जो उसने सवाल पूछा, दूसरा डायलॉग है करण का, तीसरा डायलॉग है सुधा का। अभी चले जाओ यहां से, खत्म, और कुछ है ही नहीं। तो टॉपिक कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता, इसके इंग्रेडिएंट्स मायने रखते हैं। When Sudha opened the door, she saw that Karan was standing outside. हमने word to word copy किया। उसके बाद interrogative sentence है। She asked Karan what he was doing there. To this, Karan replied that he had come to collect his books. Then Sudha told Karan
that she had kept them on the table and told him to take them and leave. बेटा यहाँ पर आपका लेवल 4 का पहला फॉर्मलाइजेशन खत्म होता है. मैं आपको एक 30 सेकंड्स का पॉज दे रहा हूँ, अच्छे से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल आप लोगों को करवा चुका हूं, लेवल 4 का मैं अब शुरू करने जा रहा हूं. एग्जाम्पल नंबर 2 याद रखिएगा. आज के लेक्चर में जो एग्जाम्पल्स आपको मैं कवर करवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किसी भी तरह की कोताही मत बरतिएगा बेटा. आज का टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है. चलिए बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ से. अब ये कॉन्वर्सेशन देख के कई सारे बच्चे टेंशन में आ जाएंगे, बाप रे इतना बड़ा कॉन्वर्सेशन. बेटा बहुत आसान है, लेवल 4 में इसी तरह के टॉपिक मिल सकते हैं आप लोगों को. जैसे ये कॉन्वर्सेशन देखिए, आई एम सॉरी बट वी कांट यूज योर ब्लड, द नर्स एट द ब्लड बैंक टोल्ड मी. आई वाज शॉक्ड बिकॉज ओनली लास्ट ईयर द सेम ब्लड बैंक हैड एक्सेप्टेड माय ब्लड. आई कुडंट कंट्रोल माय सेल्फ. आई आस्क्ड द नर्स, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद मी? The doctor will explain everything, she said and left me wondering. अब आप ध्यान से चेक करें बेटा, इसमें आपको सॉल्व क्या करना है? आपको एक हिस्सा ये सॉल्व करना है, ठीक है? इनवर्टेड कॉमास वाला. दूसरा आपको ये करना है, तीसरा आपको ये करना है. तो काम के हिस्से अगर आप देखेंगे तो 3 ही है, 1 2 3.
तीन, बाकी का क्या करना है अभी अभी सीख चुके हैं बेटा। जो चीज ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच में उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत है ही नहीं, समझे बेटा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। नर्स ने क्या बोला है, आई एम सॉरी बट वी कांट यूज योर ब्लड, द नर्स एट द ब्लड बैंक टोल्ड मी। ध्यान से देखिए इसको कैसे बना रहे हैं। इसका आंसर जो मैं बना रहा हूं ये आपको फुल ऑन फुल चार मार्क्स दिलाएगा। द नर्स एट द ब्लड बैंक, अब सॉरी के लिए आपको मैंने एक एक्सप्रेशन दिया था अपोलोजाइज। द नर्स एट द ब्लड बैंक अपोलोजाइज एंड टोल्ड मी दैट, अभी वी है तो वी का हो जाएगा दे, दे कांट का पास्ट टेंस, कुडंट यूज माई ब्लड। द नर्स एट द ब्लड बैंक अपोलोजाइज एंड टोल्ड मी दैट दे कुडंट यूज माई ब्लड। अब उसके बाद जो है ये आई वॉज शॉक बिकॉज ओनली लास्ट ईयर, यहां से लेकर आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ और आई आस्क्ड द नर्स, तक यहां तक पूरा का पूरा कॉपी करना है, कुछ चेंज है ही नहीं। सो आई वॉज shocked because only last year the same blood bank had accepted my blood. I couldn't control myself and asked the nurse And asked the nurse. अब देख लीजिए ध्यान से, पहला हिस्सा तो खत्म कर गया, दूसरा इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ मी, ये जनरल क्वेश्चन है, इससे शुरू हो रहा है तो यहां पे जनरल क्वेश्चन में आप यूज करते हैं हमेशा बेटा इफ, इफ देयर वॉज, इफ देयर वॉज एनी प्रॉब्लम विथ मी, ओके द नर्स। अब इसके बाद में क्या है, वो नर्स ने रिप्लाई किया, शी सेड एंड लेफ्ट मी वंडरिंग, द डॉक्टर विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके टू दिस द नर्स रिप्लाइड दैट The doctor will का past tense हो जाएगा बेटा would, would explain everything and left me wondering. एकदम आसान टॉपिक बेटा, आप सोच भी नहीं सकते, यहां पर आपको लग रहा होगा कि भगवान कितना डिफिकल्ट मिल गया, लेकिन ध्यान से देखिए मेजॉरिटी प्रोसेस में आपको सिर्फ कॉपी करनी है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, द नर्स एट द ब्लड बैंक, यहां से देखिए, आई एम सॉरी बट वी कांट यूज योर ब्लड, द नर्स एट द ब्लड बैंक टोल्ड मी, तो हमने शुरुआत की यहां से, द नर्स एट द ब्लड बैंक सॉरी के लिए यूज हुआ अपोलोजाइज्ड, ये रहा, द नर्स एट द ब्लड बैंक अपोलोजाइज्ड एंड टोल्ड मी दैट दे क्यों है अभी का दे हुआ, They couldn't use my blood. उसके बाद क्योंकि वो annotated commas में नहीं तो सीधा सीधा आएगा, I was shocked because only last year the same blood bank had accepted my blood
I couldn't control myself and asked the nurse if kyun aaya beta, kyunki general question hai, is there any problem with me? So if there was any problem with me, uske baad nurse ne reply kiya hai. To this the nurse replied that the doctor would explain everything and left me wondering. चार में से चार मार्क्स. हाँ बेटा लो, यकीन मानिए, चार में से चार मार्क्स बिना गलती के. और जिस बच्चे ने एग्जाम में रिपोर्टेड स्पीक में चार में से चार कर दिए ना बेटा, टीचर के ऊपर इंप्रेशन बन जा रहा है धांसू, आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं. और याद रख लीजिएगा, हमारा जो टारगेट है, टारगेट 85, उसके लिए ग्रामर सेक्शन में 20 में से 18 मार्क्स लाना जरूरी है. इसीलिए हम यहाँ पे कोई रिस्क ले ही नहीं सकते. नेवर सेटल फॉर सेकेंड, ऑलवेज ट्राई टू बी नंबर वन. हमें 3.5 नहीं, 4 में से 4 चाहिए और उसी की प्रिपरेशन करनी होती है. आप लोग ये पूरा अच्छे से देख लीजिए, ये बड़ा टॉपिक है, इसीलिए आपको मैं यहाँ पे अराउंड 45 सेकंड्स का पॉज दे रहा हूँ. इमेजेस की मैं ग्रुप में इसके साथ भेजूंगा ही, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से देखिए, एनालाइज करिए, सुनिए, समझिए. कोई डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में आप हमेशा की तरह पूछ ही सकते हैं. ऐसा मत समझिए लेक्चर खत्म हो रहा है. इसके बाद एक और टॉपिक है जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, लेवल 4 का थर्ड टॉपिक. बट 45 सेकंड्स का पॉज है, अच्छे से देखिए. कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में जरूर पोस्ट कीजिएगा. मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं और अब चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच के आखिरी एग्जांपल की तरफ. लेवल 4 यहां पे आज आपका खत्म हो जाएगा. जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये टॉपिक 3 बार और चलने वाला है. सो डोंट वरी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स. रेगुलर क्लास में तो आपके प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा ही. आपको अभी भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप ग्रुप में डाल ही सकते हो. ठीक है बेटा, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू लेवल नंबर 4's थर्ड एग्जांपल. That day, Akhil was really depressed. The coach saw that and asked him, "What is the matter? Why are you looking upset today?" Thank you.
बेटा प्रेजेंट एग्जांपल जो आपके सामने मैंने रखा है ये कि एक कोच और एक स्पोर्ट्समैन के बीच का कॉन्वर्सेशन है। दैट डे अखिल वाज रियली डिप्रेस्ड। द कोच सॉ दैट एंड आस्क्ड हिम व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू लुकिंग अपसेट टुडे। आई थिंक आई विल नॉट क्वालिफाई फॉर नेशनल चैंपियनशिप दिस ईयर। आई हैव नॉट बीन अप टू द मार्क एंड हैव परफॉर्मड बैडली इन द रीसेंट टूर्नामेंट, रिप्लाइड अखिल। डोंट लूज होप, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल क्वालिफाई, सेड द कोच। अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन है बेटा। अब मैं इसका आंसर करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पूरा फोकस यहां रखिएगा। दैट डे अखिल वॉज रियली डिप्रेस्ड। The coach saw that and asked him। देखिए ये आपको बना बनाया मिला है बेटा, इसके अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़े, हमें सिर्फ उतना ही हिस्सा सॉल्व करना होता है जितना एनोटेट कॉमास में हो। And asked him what the matter was, he, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है बेटा, further asked why he was looking upset that day। टुडे का हो जाएगा डेट डे। अब उसके सामने अखिल का जवाब आ रहा है। टू दिस अखिल रिप्लाइड दैट आई थिंक का क्या हो जाएगा बेटा, ही थॉट, पास्ट टेंस में कन्वर्जन, ही थॉट दैट He would not, will not क्या हो जाएगा, would not qualify for national championship, okay? That year, this year का हो जाएगा that year। He further added that he had not being up to the mark। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पास्ट टेंस में कन्वर्जन, दैट्स इट।
एंड हैड परफॉर्म्ड बैडली इन द रीसेंट टूर्नामेंट। ओके, यहां तक हमने खत्म कर दिया। अब आखिरी वाला हिस्सा, जब कोच कहते हैं अखिल को डोंट लूज होप, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल क्वालिफाई। ओके, द कोच, जब आप किसी को कहते हैं उम्मीद मत छोड़ो, मतलब आप उसको भरोसा दिला रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो, द कोच सजेस्टेड हिम। अब डोंट का क्या हो जाएगा, नॉट टू, नॉट टू लूज होप एंड एडेड दैट ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट he would qualify। बेटा ये थोड़ा नीचे की तरफ आते आते थोड़ा मैसी हो गया है, सो डोंट वरी, ये कॉन्वर्सेशन मैं आपको टाइप करके भी भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए, समझ लीजिएगा अच्छे से। इसका फोटो भी भेज दूंगा मैं, बट इनकेस थोड़ा मैसी है तो दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं, मैं इसको टाइप करके आपके लिए भेज दूंगा। That day Akhil was really depressed. The coach saw that and asked him, what is the matter? Why are you looking upset today? I think I will not qualify for national championship this year. I have not been up to the mark and have performed badly in the recent tournament, replied Akhil. Don't lose hope. I am confident that you will qualify, said the coach. Ab iska solution dekh lete hain. That day Akhil was really depressed and the coach saw that and asked him. To yahan tak to word to word copy hua. What the matter was, he further asked, क्योंकि दूसरा सवाल किया है, why he was looking upset that day. To this, Akhil replied, Akhil ने जवाब दिया, that he thought, sorry, T लगाना भूल गया, he thought that he would not qualify for the national championship that year. He further added, क्योंकि उसने उससे आगे बढ़ाया, that he had not been up to the mark and had performed badly in the recent tournament. The coach suggested him not to lose hope and added that he was confident that he would क्वालिफाइड। बेटा बहुत आसान होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें कोई पंगा नहीं है, आप लोगों ने चारों के चार लेवल अब सीख लिए हैं। बेटा इसके बाद जो हमारे सेशंस आएंगे, यहाँ पे ग्रामर का आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है, और आप सब लोग जानते हैं हम लोग एक साइक्लिक मेथड यूज करते हैं, रोटेशन चलता है, तो ग्रामर का एक टॉपिक तो आपका हो गया, इसके बाद शुरू होगा आपका टेक्स्ट। चिंता मत करिए, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है डरने की कोई जरूरत नहीं है, चैप्टर वाइज आप लोगों को यूनिट्स में ग्रुप में भेजता रहूंगा, जो जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा वो आपको ग्रुप में भी भेजा जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों के लिए टेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, टेक्स्ट में बहुत कुछ अमेजिंग चीज़ें हैं, बहुत कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं, और हमेशा की तरह खूबसूरत कहानियाँ हैं जिनके थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आपके फीडबैक्स और कमेंट्स हमेशा वैल्यूएबल हैं। आज के लेक्चर में स्पेशल मेंशन है हमारे एक स्टूडेंट अनुज का, बिकॉज अनुज ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था जो रेज किया था कि जब मी वाला टॉपिक आए तो कैसे हैंडल करना है, आई वाला टॉपिक आए तो कैसे हैंडल करना है, आज उसी को मद्देनजर रख के हमने इस लेक्चर के अंदर उसे इंक्लूड किया। सो आज तक जितने जितने बच्चों ने जो जो हमें फीडबैक्स दिए हैं वो हम हमेशा कोशिश करते हैं लेक्चर्स में कवर करने के लिए, आप भी अपने फीडबैक्स दिए, अपनी क्वेरी रेज करिए, ताकि हम उन्हें इन लेक्चर्स में इंक्लूड कर सकें। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके साथ एक फाइनल वर्कशीट आपको रिपोर्टेड स्पीच के आज ग्रुप में भेज दी जाएगी, वो आप सॉल्व करिए, कोई भी डाउट डिफिकल्टी क्वेरी या प्रॉब्लम हो तो आज रात तक उसको आप ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि कल रात तक, जैसे पिछले लेक्चर में हुआ था आप लोगों ने क्वेरीज डाली थी तो मैंने सॉल्यूशन भेजा था, वंस अगेन आप लोगों को मैं सॉल्यूशन उसका भेज सकूं। एक और छोटी सी बात बेटा, ये लेक्चर्स बनाने में बहुत मेहनत जाती है, एक प्रिपरेशन होती है, कोई भी इंसान सीधे स्टेज पे खड़ा होकर लेक्चर डिलीवर नहीं करता, उसको मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ता है। तो मैं हूँ
कपिल सर हैं, सुजल सर हैं, लगातार आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, कई बार बच्चे सुबह को अपडेट किया गया लेक्चर रात को 10 बजे 11 बजे देख रहे हैं या नेक्स्ट डे मॉर्निंग देख रहे हैं, विच इज़ नॉट डन बेटा। आपको लेक्चर अपलोड होते ही देख लेना है ताकि आप उसके ऊपर वर्क कर सकें, आप प्रैक्टिस कर सकें। हमेशा हम सब आपको कहते रहते थे कि क्लासरूम में मोबाइल अलाउड नहीं है, अब दुनिया बदल गई है, मोबाइल में क्लासरूम पहुंच चुका है। सो दिस इज हाउ थिंग्स चेंज वेरी क्विकली। तो अब आपको कोई नहीं कहने वाला कि फोन छोड़ दो, लेकिन फोन का प्रोडक्टिव इस्तेमाल करो, डिस्ट्रक्टिव नहीं बेटा। पबजी से दूर रहें, अपने समय का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करें पढ़ाई पे। याद रखिएगा, स्कूल चाहे कभी भी खोले, बोर्ड की एग्जाम मार्च में ही होगी, तो काउंट डाउन तो बेटा शुरू हो चुका है। जो बच्चा अभी मेहनत नहीं करेगा ना, उसकी हालत बोर्ड एग्जाम में बहुत खराब होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल का टाइप वर्जन आप लोगों को आज ग्रुप में मिल जाएगा। फॉर एनी क्वेरीज, डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, फील फ्री टू टॉक टू मी। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी दोहरा रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखता डरावना हूँ, ऐसा हूँ नहीं। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी। गॉड ब्लेस एवरी वन। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। मुझे प्रॉब्लम क्या हो गई?